तुम क्या जानते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि तुम उस पर कितना विश्वास करते हो। 1943 कैलकाटा। बचपन में शादी, अनगिनत सपने और एक डरावना सच। तुम्हारे लिए यह अंधविश्वास होगा, पर कुछ के लिए ये जिंदगी है। काली शक्तियों से लड़ाई नहीं की जाती, उससे बचा जाया जाता है, तो शायद कुछ नहीं कर पाते। नमस्कार, यह है डमेंगल ओरिजिनल्स और आज की कहानी है बुलबुल की। बंगाल। जितना मीठा ये शहर है, उतने ही मीठे यहाँ के लोग भी। माँ दुर्गा के कदमों में सजा ये शहर पता नहीं कितने संजीदा रहस्य अपने दिल में छिपा कर बैठा है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि माँ दुर्गा के बगल में माँ काली भी आती हैं, और जहाँ माँ काली का नाम आता है वहाँ आता है विनाश, दैविक शक्तियों का रहस्य और काला जादू। सत्या जब कई सालों के बाद घर लौटता है तो वो अपने भाई के बेटे को खोजने की कोशिश करता है। वो तो नहीं मिलता, पर मिलती है उसकी बहू, जिसे घर से निकाल दिया गया है। वो गांव में समाज से भी बन चुकी है और अपने दिल में ना जाने कितने रहस्य छिपा कर बैठी है। नाम बुलबुल है, पर बचपन में सुनी डायन की कहानियाँ आज पता नहीं क्यों उस पर हावी है। वो ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, किसी का आने वाला कल था। बुलबुल की यह कहानी एक पीरियड सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जो अनुष्का शर्मा के क्लीन स्लेट प्रोडक्शन के बैनर के अंदर बन रही है। इप्सिता रॉय चतुर्वेदी, एक विक्कन जिन्होंने बंगाल आकर खुद को एक चुड़ैल घोषित कर दिया था। बंगाल के छुपे डार्क मैजिक और कल्ट फोकलोर में अपनी जिंदगी को समर्पित कर चुकी इप्सिता ने इस पर कई नॉवेल्स लिखे, लोगों को ये विद्या सिखाई और कहीं गुम हो गई। द सीक्रेट एविल उसमें से एक है और शायद इस मूवी की प्रेरणा भी। इस मूवी की कहानी की प्रेरणा बंगाल के छुपे डार्क सीक्रेट से ली गई है, जो वाकई डरावनी है। जीरो के फ्लॉप शो के बाद अनुष्का शर्मा ने अपना पूरा ध्यान अपने प्रोडक्शन हाउस पर लगा दिया था। उसी का नतीजा है कि पहले पाताल लोक जैसा हिट और अब बुलबुल एक अच्छे स्टोरी बेस्ड हॉरर मूवी के साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को हिट कर रहा है। मूवी के लीड में लैला मजनू की जोड़ी वापस आ रही है, अविनाश तिवारी और तृप्ति दिमरी। उनके अलावा राहुल बोस, हेड स्टोरी फेम पावली डैम और प्रमृता चटर्जी भी इस मूवी में दिखाई देंगे। मूवी के VFX और स्पेशल इफेक्ट्स शाहरुख के रेड चिलीज ने दिया है, पर इन सबके बावजूद मूवी का प्रमोशन काफ़ी फीका है। मूवी बहुत ही लो प्रोफाइल और नॉन कमर्शियल अप्रोच के साथ अपने अच्छे कंटेंट के भरोसे लॉन्च हो रही है, यहाँ तक कि विकिपीडिया को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आपका इस मूवी के बारे में ना जानना जायज़ है। 24 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली बुलबुल बहुत ही संवेदनशील और इंटरेस्टिंग है। पहले की बात है, एक चुड़ैल थी, पेड़ों पे रहती थी, घने जंगलों में। उल्टे पैर थे उसके। बंगाल के कल्ट फोकलोर से प्रेरित बुलबुल आपको आपके मानसिक डर एक्सपीरियंसेस और बचपन की वो डरावनी कहानियों से जोड़ता है। कहीं ना कहीं ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच है। अनुष्का से हमें बहुत उम्मीदें हैं और आशा है कि वो हमें निराश नहीं करेंगी। आज के लिए डम एंगल में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।